Welcome to the series of video lectures on analysis and design of algorithm, that is ADA. In that, we are discussing the method, problem solving method, that is divide and conquer method. In divide and conquer method, it suggests to divide the bigger problem into some smaller problems that to be of the same theme. इसको इतना divide करते जाना है कि finally हमें एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और फिर बाद में हम उनको कंबाइन करके और फिर ओवरऑल सोल्यूशन ऑब्टेन करेंगे. दैट इज द मेथड बेसिक डिवाइड एंड कॉन्कर वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट टू लेक्चर्स. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर देयर आर सम मेथड्स. फर्स्ट इज बाइनरी सर्च. वी हैव सॉल्वड इट इन लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मिन मैक्स प्रॉब्लम एंड सम मोर प्रॉब्लम्स आर देयर, दैट इज मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड स्ट्रेस इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स. सो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले दैट इज मिन मैक्स ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर. नाउ गिवन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज एरे फॉर एग्जाम्पल ए कंटेनिंग एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द प्रॉब्लम इज टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ द एरे. इससे पहले कि हम इसे डिवाइड एंड कॉन्कर बेस पे सॉल्व करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सी द नॉन रिकर्सिव वर्जन ऑफ दैट मिन मैक्स, दैट इज द ट्रेडिशनल मेथड, दैट इज द इटरेटिव कॉन्सेप्ट और इटरेटिव लॉजिक टू ऑब्टेन द मिन एंड मैक्स वैल्यू. सो व्हाट इज द लॉजिक टू ऑब्टेन द मिन एंड मैक्स वैल्यू? लेट अस से वी आर हैविंग एन एरे कंटेनिंग सम वैल्यूज. लेट्स से दिस इज एन एरे. Some values are there. Assuming that, let's say the value is 5, 1, 9, 10, 2, and let's say 8. These are the values. We have to find the min and max. These are the indices. Let's say 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Let's say there are 6 number of elements. The logic says that we will take two variables, that is max and min. The logic goes like, assume the first value as the max as well as min. जो भी पहली value है उसे max और min मान लिया जाए. Now, यदि मैंने कुछ मान लिया है तो I have to prove that. उसे प्रूव करने के लिए now we'll go on checking the upcoming values with the assumed max and assumed min. So पहले max की बात करते हैं. पहली value को max मान लिया गया, अब आने वाली हर value को मैं अज्यूम्ड मैक्स से कंपेयर करूंगा. यदि आगे आने वाली कोई भी वैल्यू अज्यूम्ड मैक्स से बड़ी पाई गई, देन वह बड़ी वैल्यू मुझे मैक्स में अपडेट करनी होगी. इफ एनी अपकमिंग वैल्यू इज फाउंड टू बी लार्जर एज कंपेयर टू द अज्यूम्ड मैक्स, देन अपडेट द मैक्स विद दैट लार्ज वैल्यू. इन द सिमिलर फैशन फॉर मिनिमम विल गो, पहली वैल्यू को हम मिनिमम वैल्यू मान लेंगे और आगे की आने वाली हर अपकमिंग वैल्यू को मैं अज्यूम्ड मिन से कंपेयर करूंगा. यदि आगे आने वाली कोई भी वैल्यू अज्यूम्ड मिन से छोटी पाई गई तो छोटी वैल्यू मैं मिन में अपडेट करूंगा. इफ एनी अपकमिंग वैल्यू इज फाउंड टू बी मिनिमम एज कंपेयर टू द अज्यूम्ड मिन, देन वी हैव अज्यूम्ड द रॉन्ग मिन, देन वी हैव टू अपडेट द मिन विद द करेक्ट मिनिमम वैल्यू. दैट इज द लॉजिक. सो हाउ दैट लॉजिक कैन बी रिटन ओवर दैट? So let us say we name that algo as min-max. So there is algorithm min-max. And here we will be having an array. Then we will be having the number of elements in the array. Then these are two input parameters. And now these are two output parameters, that is max and min. Okay then. So I have already said that this array contains n number of elements and we have to find the max and min. Now what the logic says that assume the first value as the max value as well as the min value. जो भी पहली value है उसे हम max भी मान लेंगे और min भी मान लेंगे. अब इसके बाद चूंकि पहली value को मैं max min मान चुका हूं तो इसे compare करने की जरूरत नहीं. We should start with the index 2. So just apply a loop ranging from for I is equal to 2 to n do. क्या करना होगा? यदि if any upcoming value that can be obtained by a of i is found to be larger as compared to the assumed max,
देन, तो क्या करना होगा? मींस इसका मतलब यह है कि आगे आने वाली वैल्यू बड़ी है, तो जो बड़ी वैल्यू उसको मैक्स में अपडेट कर दिया जाए, तो वी शुड राइट दैट मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ आई. ओके, इन द सिमिलर फैशन आई शुड अप्लाई अनदर इफ फॉर मिन, मिनिमम के लिए मैं एक और इफ लगाता हूं. इफ ए ऑफ आई एनी अपकमिंग वैल्यू इज फाउंड टू बी स्मॉलर एज कंपेयर टू अवर अज्यूम्ड मिन. इसका मतलब आगे आने वाली वैल्यू छोटी है, हमने गलत मिन मान रखा है, मेक इट करेक्ट, देन अपडेट दैट नेक्स्ट अपकमिंग वैल्यू इन टू द वेरिएबल मिन लाइक दैट. सो दिस गोज हियर. दिस इज दिस सिंपल लॉजिक विच विल प्रोवाइड अस द मैक्स वैल्यू एज वेल एज द मिन वैल्यू. नाउ यदि मैं इस लॉजिक में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूं, तो आपका जो ये एल्गोरिथम है ये और इफिशियंट हो सकता है. वो कैसे? यहां पर यदि हम लोग बात करें तो दिस लूप एग्जीक्यूट एन माइनस वन टाइम्स, दिस फॉर लूप एग्जीक्यूट एन माइनस वन टाइम्स. वाई? बिकॉज यदि ये वन से शुरू होता और एन तक जाता तो एन टाइम्स एग्जीक्यूट होता फॉर ट्रू, लेकिन चूंकि मैंने टू से स्टार्ट किया इसलिए इट वर्क्स फॉर एन माइनस वन. सो फॉर दैट नाउ हियर दिस कंडीशन विल बी चेक फॉर ईच एलिमेंट टू ऑप्टेन मैक्स, अगेन दिस कंडीशन विल बी चेक ईच टाइम टू ऑप्टेन द नेक्स्ट मीन. सो दिस इज एक्चुअली ट्वाइस वी आर चेकिंग द कंडीशन, वन फॉर मैक्स एंड वन फॉर मीन. सो हेंस द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी टू इन टू एन माइनस वन. ओके, नाउ आई विल ट्राई टू रिड्यूस दिस. वो कैसे किया जा सकता है? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. यदि आगे आने वाली वैल्यू मैक्स है, मैक्सिमम है, यदि आगे आने वाली वैल्यू अज्यूम्ड मैक्स से बड़ी है, तो इसका मतलब वो उस समय मिन तो नहीं हो सकती. दैट लॉजिक कैन बी अप्लाइड एंड दिस इफ स्टेटमेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द एल्स इफ स्टेटमेंट. हाउ? इफ आई राइट एल्स इफ ओवर देयर, एल्स इफ, देन व्हाट विल हैपन? यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये कंडीशन, इस कंडीशन पे आप नहीं जाएंगे. ओके, तो उस केस में क्या होगा? अब इफ वी टॉक अबाउट द बेस्ट केस, मान लेते हैं आपके सारे एरे एलिमेंट जो कि वन से लेके एन तक है, इफ दे आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, दैट इज इन द असेंडिंग ऑर्डर, यदि असेंडिंग ऑर्डर में वो लगे हुए हैं, सो दिस फंक्शन विल एग्जीक्यूट, ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा, और उस केस में आपका जो रिकर्सिव, सॉरी, आपका जो लूप चलेगा दैट विल वर्क एन माइनस वन टाइम्स ओनली, दैट इज द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी. व्हाई? बिकॉज उस केस में ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एन माइनस वन. And we will talk about the worst case complexity in this case. So in that case, the list must be in the descending order. List यदि आपकी descending order में है तो उस case में क्या होगा? उस case में ये भी condition check होगी और साथ में ये भी condition check होगी, और इस तरीके से आपका जो time complexity होगी वो 2n minus 1 होगी in case of worst case. So this is the logic when we are going with the non-recursive logic to obtain the minimum and maximum value. Now we will move towards the min-max on the basis of divide and conquer. इसमें हम लोग recursive function calling करेंगे. Let us take the example. Now in min-max, based on divide and conquer, let us take the example like that. We are having an array. Let's say this is an array. And we will go on dividing this array into two sub-arrays each time. We can take any number of elements. Let's say, okay, let's say 5 elements are there, no problem. So if we are having 5, then 20, then 3, then 9, then 10, let's say these are the elements and we have to find the maximum as well as the minimum value. So, इसे हम लोग कैसे process करेंगे?
Let's say this is lower bound, so lower bound is 1 and this is the higher bound, that is 5. First of all, we will obtain the middle index for that. So middle index will be 1 plus 5, that is L plus H divided by 2. So it will be 3. So this index value will be the middle value. This is, let's say, middle value. Aur yahan se hum log इस बड़े एरे के लिए दो वैल्यूज ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, दैट इज मैक्स एंड मिन. सो फॉर द होल एरे रेंजिंग फ्रॉम 1 to 5 वी वांट टू ऑब्टेन द मैक्स एंड मिन वैल्यू. टू ऑब्टेन दैट मैक्स एंड मिन वैल्यू वी हैव डिवाइडेड दिस एरे इनटू टू पार्ट्स. हमने इस एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. वो कैसे? सो यहां से एल से मिड तक, that is 5, 20 and 3. So L is equal to L and here H is equal to mid. This is the first partition. And then the second partition, logically I will divide it. The second partition will be from L is equal to mid plus 1, this is the lower bound, to H. And that is 9 and 10. The indices are 4 and 5. The indices are 1, 2 and 3. So, low say mid tak, and that will be the higher bound for the left partition. And right partition mein, jo low bound hoga, lower bound hoga, that will be mid plus 1 to high. Now we have partitioned this array in two parts and again we require a max and a min from here. And now we will obtain a max and min from here also. Let's say name that as max 1 and min 1. So from left side, from left subarray, we will be having a max and a min. From right side partition, we will be having a max and min again. Now, out of this, we have to find only one max and only one min. So we will compare this max with this max 1. We will compare the max from the left side with the max from the right side. Whatever is the higher max will be the final max. Means, yadi yahan par max ki value 20 hai aur yahan max ki value 10 aati hai, to hum is max aur is max ko compare karenge to get the overall max from both the sides. To left side se ek max aur right side se ek max ko hum compare karenge. Dono hi max mein se finally jo bada hoga वो फाइनल मैक्स होगा. उसी टाइप से लेफ्ट साइड में हमारे पास एक मिन वैल्यू होगी, ऐसे ही राइट साइड में हमारे पास एक मिन वैल्यू होगी. उन दोनों ही मिन वैल्यूज को जब हम कंपेयर करेंगे, जो वाकई मिन होगी वो ओवरऑल मिन होगी. सो ये सारी चीजें हमें अपने लॉजिक में मेंशन करनी होगी. ये यहां समझने के लिए था, पर अभी जो पार्टीशन होंगे वो यहां पर और आगे होंगे. यहां आगे के पार्टीशन फिर से वही, ये लोअर और हायर इंडेक्स में हम लोग मिडिल फाइंड आउट करेंगे. उस मिडिल से फिर इस तरीके से वी विल बी गोइंग फॉर द पार्टिशनिंग द एरे. नाउ यहां पर जो स्मॉल पी का केस है, व्हाट इज स्मॉल पी? हमने जैसे कि कहा कि डिवाइड एंड कॉन्कर में हमें प्रॉब्लम को डिवाइड करते जाना है ऐसे कि उसे और आगे डिवाइड नहीं किया जा सके, एंड दैट इज नोन एज द स्मॉल पी, स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम, जहां से आपको सोल्यूशन मिलना शुरू होगा. तो यहां पर स्मॉल पी के दो केसेस हैं, स्मॉल पी के दो केसेस हैं. कब कब? व्हेन एन इज इक्वल टू 1. यदि मैं इस एरे को ऐसे डिवाइड कर दूं कि एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा, उस केस में वही मिन होगा वही मैक्स होगा, दैट इज द केस. सो इन दैट केस मैक्स एंड मिन विल बी सेम एंड दैट विल बी द एलिमेंट व्हिच इज स्टोर्ड एट दैट पोजीशन. नाउ सेकंड केस ऑफ स्मॉल पी, व्हाट विल द सेकेंड केस ऑफ स्मॉल पी? स्मॉल पी के केस में अब ऐसा होगा कि मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 है. जैसे इस केस के लिए यदि हम लोग एग्जाम्पल लें, मान लेते मैं इसको डिवाइड करते ऐसी पोजिशन पे पहुंचू जहां पर वैल्यू सिर्फ 3 स्टोर्ड हो, फॉर एग्जाम्पल, उस केस में मिन भी यही होगा और मैक्स भी यही होगा. लेट से दिस इज इंडेक्स, दिस इंडेक्स इज 3 फॉर एग्जाम्पल. तो यदि n की वैल्यू 1 है तो थर्ड इंडेक्स पे जो 3 स्टोर्ड है वही मैक्स होगा और वही मिन होगा. नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ एन इज इक्वल टू 2. फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज द पार्टीशन, फॉर एग्जांपल दिस इज द पार्टीशन,
where 5 and 20 is stored. This index is 1 and this index is 2. For that, now what will be the case for the single value? For that, L will be equal to H. If L is equal to H, means only single element is there in the array, and that will be the maximum value as well as the min value. Now what is the case of n is equal to 2? Us case mein L ki value h minus 1 ke barabar hogi. What will be the condition for that? Jaise ki humne likhi, L is equal to h minus 1 hoga us case mein. And now, yadi aapke paas aisa small problem hai, to yahan se bhi hum log min aur max obtain kar sakte hain with a single comparison. With a single comparison. Kaise? मैं यहां पर 5 मतलब L इंडेक्स और H माइनस 1 इंडेक्स की वैल्यू को कंपेयर करूंगा. व्हाटएवर द वैल्यू विल बी लार्जर विल बी द मैक्स एंड द रिमेनिंग वैल्यू विल बी ऑटोमेटिकली मिन. मींस 20 यहां पर क्या हो जाएगा? मैक्स. और मिन की वैल्यू क्या मिलेगी यहां पर? 5 विद अ सिंगल कंपैरिजन. सो ये बात भी हम अपने लॉजिक में यहां पर मेंशन करेंगे. आई विल शो दैट. And in all other cases, we will process like that, ki we will divide this array into two partitions. So let us start writing the algorithm and we will discuss these cases here. So starting with, let's say algorithm recursive min max. Let's say for example, I will name it that min max. So what will be the arguments to that function? In that case, we are going to have L, that is for lower bound. We are having H, then these are two input parameters, and next are the output parameters, that is max and min. So let us discuss first this small p problem. Start with. So first of all, check whether the array contains a single element. If the array contains the single element, this is the case 1 we are going to discuss, this is the case 2 we are mentioning in this logic, and this will be the case 3 where we are going to divide the array into two parts, that is the left part and right part. So starting with this small p where n is equal to 1, for that the L will be equal to H. Then is case mein kya hoga? Then max is equal to min is equal to A of L. Here, assuming that A is a global array. Okay. Here, I can write H also, either L or H, because both are same. Now, I will place a comment. This is a small p problem. Okay. Having n is equal to 1, this is the case 1. कि यदि एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो l और h दोनों सेम होंगे, उस केस में वही वैल्यू, वही एक अकेले ही वैल्यू मैक्स भी होगा और मिन भी होगा. नाउ इफ दिस इज नॉट द केस, वी विल गो फॉर द नेक्स्ट केस, दैट इज अ स्मॉल p. जब व्हेन l विल बी इक्वल टू h माइनस 1, देन उस केस में क्या होगा? उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं? उस केस में सिर्फ एक कंपैरिजन से हमें मैक्स और मिन मिल जाएगा. सो वी विल चेक कि इफ ए ऑफ लो इज ग्रेटर देन ए ऑफ एच, इसका मतलब कौन? ग्रेटर देन इक्वल टू ए ऑफ एच, इसका मतलब देन दिस ए ऑफ एल विल बी मैक्स एंड ए ऑफ एच विल बी मिन. सो जस्ट असाइन दैट. सो मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ L, and at the same time min will be A of H. Simple. But if this is not the case, just reversal of that. मतलब उस केस में क्या होगा? उस केस में जो मैक्स होगा वो कौन होगा? A of H, और min जो होगा वो A of L होगा. With the single comparison we have obtained that what will be the max value and what will be the min value. Now, this case is the third case we have discussed. Us case mein, first of all, we'll obtain the middle index. Now, divide the bigger problem into the smaller problem. For that, we will obtain the middle index. So, mid will be L plus H divided by 2.
that is the middle index. Now we will divide this array into two parts logically and will apply the same method, that is r min max, to both the sub arrays, that is the left array and the right array. And from that we will get a max min, and from right side we will get max 1 and min 1. So how we will call that? So here we are dividing that. So divide the problem middle index. So call this function again, that is r min max. Now the lower index will be L and the higher index will be mid plus 1. हम लोगों ने इसके पहले बात की है. ये देखिए लेफ्ट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में हम लोग कहां से कहां तक जाने वाले हैं? लो इंडेक्स से मिड तक, दैट विल बी द हायर बाउंड फॉर द लेफ्ट सब एरे. एंड आउट ऑफ दैट वी विल बी गेटिंग अ मैक्स एंड अ मिन वैल्यू, द सेम फंक्शन कॉल. नाउ फॉर राइट साइड, राइट सब एरे, व्हाट विल बी द कॉलिंग? कॉल द सेम फंक्शन, दैट इज आर मिन मैक्स. नाउ what will be the lower index for the right partition? That is L is equal to mid plus 1. So I should pass here, that is mid plus 1 as a low index. And what will be the higher index? That is the H, comma, again. Now here I will be having max 1 and min 1 to get the maximum value and the minimum value from the right sub array. So ab hamare paas do partition hai. लेफ्ट पार्टीशन से मैक्सिमम वैल्यू मैक्स में होगी, मिनिमम वैल्यू मिन में होगी. राइट पार्टीशन से मैक्सिमम वैल्यू मैक्स वन में होगी और मिन वैल्यू मिन वन में होगी. पर हमें तो फाइनली इन दोनों पार्टीशन से सिर्फ एक मैक्स और एक मिन चाहिए, तो हमें इन दोनों मैक्स को कंपेयर करना होगा टू ऑब्टेन द फाइनल मैक्स. उसके लिए तो यहां बेसिकली दीज टू आर द पार्टीशन, दैट इज कॉन्कर. वी आर सॉल्विंग दिस रिकर्सिवली, दैट इज कॉन्कर. And then, जो मैं अभी लिख रहा हूं दैट विल बी कंबाइंड, सोल्यूशन को कंबाइन करना है. तो उसके लिए अब हमें इफ लिखना पड़ेगा. व्हाट इज दैट? कि यदि लेफ्ट साइड में जो मैक्स है, इफ इट इज लेस देन राइट साइड में जो मैक्स आ गया उससे, मतलब जो राइट पार्टीशन में मैक्स है वो बड़ा है, तो फाइनली बड़ा कौन होगा? मैक्स वन. इन दैट केस वी शुड राइट द फाइनल मैक्स इज इक्वल टू मैक्स वन. This is how we'll get the maximum value. And similar fashion, I should write if min is greater than min 1, means min 1 is the smaller. So the finally the small value, that is min value, will be min 1. So here using these two steps, we have combined the solution. Combined. This is how we'll get the max and min value. Now I think the steps are clear to you. क्या हो रहा है हम लोग यहां पर? This is, we have discussed, this is case 1. Let us mention that this is case 1. This is case 1. This is case 2. And this else part is basically, this whole is case 3. Which is we have discussed, this is case 3. Okay, now let us solve this problem using the binary tree. Because jab bhi hum log yahan divide and conquer method ko apply karenge, we can have a tree mentioning the elements of array. So let us discuss that. We'll create a tree over here. So I think I should remove that. Okay, here. What will be the call function calls? यदि हम लोग इसको call करते हैं तो starting with, सबसे पहले हमें इसे call करना है four arguments के साथ. The lower bound will be 1, upper bound will be 5, and we have to obtain max and min. यहाँ पर इसे हम खाली छोड़ते हैं. Now, what will be the lower part of this? इसका lower part क्या होगा? So 1 plus 5, that is 6, 6 divided by 2, that is 3. So we will partition this. So 1, 2, 3 and then 4 to 5, and we have to obtain the max 1
सॉरी मैक्स मिन, मैक्स वन एंड मिन वन लाइक दैट. अभी हम लोग इसे ऑप्टेन करेंगे. नाउ दिस विल बी द लेफ्ट सब एरिया एंड राइट सब, दीज आर द इंडाइसेस. ओके नाउ दिस कैन अगेन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सो व्हाट विल बी द मिडिल इंडेक्स? सो हाउ कैन ऑप्टेन द मिडिल इंडेक्स? 1 + 3 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 1 to 2 विल बी द लेफ्ट एरे एंड हियर वी हैव टू ऑप्टेन मैक्स एंड मिन. एंड द सेकेंड सब एरे विल बी फ्रॉम 2 + 1 दैट इज 3 to 3 मीन्स दिस इज द स्मॉल पी प्रॉब्लम एंड केस 1 where low index and high index is same. This is the small p problem of case 2 where L is equal to h minus 1. So here we will apply, okay, before that again further we will divide it into right side. So first indexes that is 4 and 5, this can again be divided into two parts. How that? No, this is the case of, this is the simple case of case 2. That is L is h minus 1. So no need to go further. Now we will solve that. This is the case where low and high index are same. That is L is equal to h. That is 3. Now what is the value? That is 3 only. So that will be the max value and min value as well. Okay. Now 1, 2. That is the second case. L is less than h minus 1. और 1 और 2 इंडेक्स में हम लोग ये लॉजिक लगाएंगे. ए ऑफ एल इज 5 इज ग्रेटर देन ए ऑफ एच, द कंडीशन फेल. तो आप यहां आ जाएंगे, मैक्स विल बी ए ऑफ एच. ए ऑफ एच इज मीन्स 20, तो मैक्स यहां से क्या आ जाएगा 20 और मिन क्या आ जाएगा यहां पर 5. नाउ दिस इज मैक्स एंड दिस इज मैक्स 1. आई राइट दैट, दैट इज मैक्स एंड दिस विल बी मैक्स 1. सो now we are here, we will compare that. If max is less than max 1, max is less than max 1, the condition is failed. Matlab kya? This will be the max. So out of these two max, max and max 1, whatever is the max will be updated over here. And in the similar fashion, now this is min and this is min 1. This is min 1. Now compare this. मिन और मिन वन में से जो छोटा होगा वो फाइनल मिन जाएगा. तो 5 और 3 में से कौन छोटा? 3 छोटा है. तो दिस विल बी अपडेटेड ओवर हियर. सो दिस विल बी द ट्री स्ट्रक्चर टू सॉल्व दैट. सो आप देख सकते हैं 1 से 3 तक वॉट एवर इज मैक्स इज एक्चुअली 20 एंड वॉट एवर इज मिन दैट इज 3. अब यहां 4 से 5 वाले पार्टीशन में जाएंगे, दैट इज अ स्मॉल पी ऑफ द टू एलिमेंट्स. इनमें से हम एक कंपेरिजन में वैल्यू ऑप्टेन कर सकते हैं. तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस लॉजिक में हम लोग आएंगे, ए ऑफ एल इज ग्रेटर देन ए ऑफ एच, द कंडीशन इज फेल्ड. तो हम यहां आ जाएंगे, तो ए ऑफ एच विल बी मैक्स. ए ऑफ एच विल बी मैक्स मीन्स 10 विल बी मैक्स एंड मिन विल बी 9. नाउ अगेन दिस इज मैक्स एंड दिस इज मैक्स 1. सो मैक्स और मैक्स 1 में से जो बड़ा होगा वो फाइनली क्या बनेगा? मैक्स. तो यहां पर 20 विल बी मैक्स. इसी टाइप से यहां पर ये क्या होगा? मिन. और ये क्या होगा? मिन 1. इनमें से जो छोटा होगा वो फाइनली क्या होगा? मिन. तो यहां 3 और 9 में से कौन छोटा है? 3. तो वो यहां पहुंचेगा. और आप देख सकते हैं हम वापस आ चुके हैं 1 से लेके 5th इंडेक्स तक. मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 20. और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 3. एंड दैट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, कि इसको हम लोग ट्री के फॉर्म में कैसे सॉल्व कर सकते हैं. नाउ विल टेक द कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दैट. कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जैसे कि हम लोग देखते हैं रिकरेंस रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा. सो वी विल फॉर्म द रिकरेंस रिलेशन. लेट्स से जस्ट रिमूव दैट. ओके सो टी ऑफ एन इज इक्वल टू, देर आर 3 वैल्यूज बेसिकली. दिस इज केस 1. सो हियर इट विल बी 0 फॉर एन इज इक्वल टू 1 मीन्स with the zero comparisons we can obtain max and min. Here no comparisons are there, hence the number of comparisons are 0, number of element is equal to 1. Second case, that is the small p where number of elements are 2 means n is equal to 2, and for that in the single comparison we can get the max and min value. And this is the else part. Yaha else part. Now here what are the, here we are dividing this, if there are n number of elements, we are dividing into n by 2 and n by 2. So the complexity will be t n by 2, that is the left part plus
tn by 2, that is the right part, and plus these two comparisons, that is plus 2 for all n, n greater than 2. So now taking this as a next expression, we will be having, that is tn by 2 plus tn by 2 plus 2, we have to solve that, that is equivalent to 2tn by 2 plus 2. Now we will use the substitution method. So substitute karte hain, values ko expand karte hain, dhyan se, that is 2, then tn by 2 ka expansion kya hoga, 2t, that is 2tn by 4 plus 2, and then this 2. Expand this, that is 4 into tn by 4 plus 4 plus this 2. Again expand this, kya aega? We will expand that. Aage ki taraf chalte hain. To 4 into, now expand this. Kya hoga? 2 into tn by 8 plus 2. This is the expansion, then plus 4 plus 2. So after solving, we get 8 into tn by 8 plus 8 plus 4 plus 2. Now this is forming a series basically, that is we have to sum some elements and we are going to formulate a formula for that. So dekhi kaise isko hum log kar sakte hain. Here now this, convert this as 2 to the power k minus 1, taking k as a constant, into t n divided by 2 to the power k minus 1 plus, this can be obtained by summing all the elements, that is sum, we are taking the variable as I, ranging from 1 to k minus 1, we have to sum 2 to the power I over here. Now how this can be obtained, we will take a look, dekhi kaise isko hum log solve kar sakte hain. Here, if 2 to the power 1, that will generate 2, 2 to the power 2, that will generate 4, 2 to the power 3, that will generate 8. So we can get that the k here is 4, let's say for example. So k minus 1 will be 3. So ranging from 1 to 3, we have to generate 2 to the power I, that will be the sum of 2 to the power i's, which will generate 8 plus 4 plus 2. And in the same fashion, if I put k is equal to 4, then k minus 1 will be 3. So 2 to the power 3 will be 8. And again, n divided by 2 to the power k minus 1, that is k is equal to 4, so k minus 1 yeah, hoga 3, that will again will become 2 to the power 8. So the expression is now correct. So here, this term is important. यहां पर हम अब इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. वी नो दैट इफ n इज इक्वल टू 2, t ऑफ n इज 1. सो समहाउ आई शुड रिप्लेस इट विथ t ऑफ 2, दिस फैक्टर, एंड दिस t ऑफ 2 कैन बी रिप्लेस, दिस एक्सप्रेशन विल बी रिप्लेस बाय 1, बिकॉज वी नो दैट फॉर n इज इक्वल टू 2, द एक्सप्रेशन और द टाइम रिक्वायर्ड विल बी 1. सो for that, just compare this with n by 2. So how to solve that? Taking this part only. So n by 2 to the power k minus 1 will be equal to 2. Cross multiply. This will imply that n is equal to, or I can say that n is equal to 2 into 2 to the power k minus 1. And if I write this like that, so n will be equal to 2 into 2 to the power k divided by 2, that is minus 1 will be in the denominator, and this 2 will be get cancelled, and n will be 2 to the power k. So here we have obtained a relationship, that is n is equal to 2 to the power k. So now substituting this value over here, what will be that value? Just write down the expression again, that is 2k minus 1 into t n divided by 2 to the power k minus 1.
सो टू टू द पावर के माइनस वन, यहां से भी हम लोग देख सकते हैं टू टू द पावर के माइनस कैन बी रिटन एज एन बाई टू, सो आई कैन राइट एन बाई टू ऑल्सो, सो हियर इट विल बी एन बाई टू. इन द सिमिलर फैशन आई कैन राइट हियर टू टू द पावर के माइनस टू एज एन बाई टू, मैं उसको लिख ही देता हूं. दिस कैन अगेन बी रिटन एज एन बाई टू इज इक्वल टू 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 द पावर के माइनस वन. सो आइदर फैशन यू आर गोइंग टू टेक दैट. सो यहां पर भी आई विल सब्स्टिट्यूट दैट टू टू द पावर के माइनस वन विथ एन बाई टू. लेट से फॉर एग्जाम्पल, सो एन बाई टू इन टू टी एन बाई टू बाई टू, सो यहां से एन एन कैंसिल हो जाएगा और टू यहां पर ऊपर आ जाएगा. देन प्लस दिस सम इफ आई सॉल्व दिस सीरीज, इफ आई सॉल्व दिस सीरीज दिस इज गोइंग टू बी टू के माइनस टू, टू टू द पावर के माइनस टू. सो नाउ अगेन दिस टी ऑफ टू इज वन, टी ऑफ टू इज वन, सो एन बाय टू इंटू वन प्लस टू टू द पावर के माइनस वन. ओके नाउ 2 to the power k is equal to n. Here we have obtained, substitute this value here. So what will be the expression? That is t of n is equal to n by 2 plus, this is n minus 1. And if I solve this, it will be equal to 3n by 2 minus 2. Actually this is 2 and this is 2. So if I solve this, I'll get 3n by 2 minus 2, and this is the time complexity. Let's say t of n is equal to 3n by 2 minus 2. This is the time complexity in the worst case for the min max problem. So this is all about the min max problem. Please do like, share and comment. Subscribe my video channel. Please don't forget to press the bell icon. Thank you.